सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में है अब नई जंग। पॉइंट टेबल का महासंग्राम। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को जिस तरीके से हराया है, अब उसके वर्ल्ड कप जीतने का सपना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि टीम इंडिया सेमीफाइनल में लगभग पहुंचने ही वाली है। टीम इंडिया को अब सेमीफाइनल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इंतजार है टीम इंडिया के साथ सेमीफाइनल में कौन सी दूसरी टीम पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरीके से पॉइंट टेबल में महासंग्राम मचा हुआ है, उससे माना जाए तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन उसे किस टीम से रेस लगानी पड़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा। भारत का सेमीफाइनल पहुंचना तय। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो टीम इंडिया ग्रुप टू में नंबर वन पर बनी हुई है। भारतीय टीम ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें 3 में जीत मिली है, 1 मुकाबला गंवाया है और भारत के 6 अंक है। यह भारत का नेट रन रेट प्लस 0.730 है, जिसकी वजह से टीम इंडिया नंबर वन पर बनी हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है, जिसके 3 मैच में 2 जीत 1 नतीजा नहीं निकलने की वजह से 5 अंक है, लेकिन उनका नेट रन रेट प्लस 2.772 है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर है बांग्लादेश की टीम, जिसके 4 मैच में 2 जीत 2 हार के साथ 4 अंक है, लेकिन उनका नेट रन रेट खराब है और वो -1.276 है। ऐसे में अब माना जाए टीम इंडिया का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे से होना है, तो भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय दिख रहा है, क्योंकि टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबला तो कतई नहीं गंवाएगी और भारतीय टीम 8 अंकों के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में दूसरे नंबर की जंग। अब टीम इंडिया के साथ सेमीफाइनल में इस ग्रुप से कौन आगे निकलेगा, ये तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मुकाबले को देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए तो इस समय पॉइंट टेबल में साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, तो पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पर है, क्योंकि उन्होंने 3 मैचों में 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबला गंवाया है और 2 अंक के साथ 5वें नंबर पर बनी हुई है, जहां उनका नेट रन रेट प्लस 0.765 है। ऐसे में अगर पाकिस्तान टीम को आगे जाना है तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीतना पड़ेगा, और अगर पाक जीता तो उन्हें बांग्लादेश को भी हराना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए अभी आगे की राह बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले तो मजबूत साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा, और जैसे तैसे वो साउथ अफ्रीका से जीत भी गए तो बांग्लादेश को हराना पड़ेगा, जो कि मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश ने इस वर्ल्ड कप बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने लगभग भारतीय टीम को एक बड़ी टक्कर दे दी थी, लेकिन आखिर के मौके पर भारतीय टीम आगे निकल गई। सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? अब सवाल ये है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी तो वहां जाकर किससे भिड़ेगी, क्योंकि अगर ग्रुप वन की बात की जाए तो वहां अभी तक कोई भी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तय दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मान लिया जाए कि न्यूजीलैंड की टीम का अगला मुकाबला आयरलैंड से है और वो मैच जीत जाती है, तो वो 7 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अब बारी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से किसी एक के जाने की है। इंग्लैंड का अगला मुकाबला श्रीलंका से है। श्रीलंका की टीम मजबूत है और सकता है कि वो इंग्लैंड को हरा दे, लेकिन इंग्लैंड ये मुकाबला जीत जाता है तो वो बेहतर नेट रन रेट की वजह से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम का अगला मुकाबला अफगानिस्तान से है, और अगर वो अफगानिस्तान को हरा भी देती है और दूसरी तरफ इंग्लैंड जीत जाता है तो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में माना जाए कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दे तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की दो टीमें ऐसी नजर आ रही है जो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, और भारतीय टीम को इन दोनों टीम में किसी एक का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के साथ इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान में कौन सी टीम बाजी मारेगी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।